जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेक मैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ऑटोकैड 2020 में आज हम बात करेंगे 3D की। आज से हम ऑटोकैड 3D स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2D हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज मैं बीच बीच में बना के वीडियो डालता रहूंगा। कुछ एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ और एक्सरसाइजेस बीच बीच में ऐड करता रहूंगा। आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड 3D। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 2D और 3D में डिफरेंस क्या होता है। 2D का मतलब है टू डायमेंशनल और 3D का मतलब है थ्री डायमेंशनल। इसका मतलब यह है कि ऑटोकैड में टू एक्सिस होती है और 3D में हम थ्री एक्सिस पे काम करते हैं। 2D और 3D का एक मेन डिफरेंस ये है कि 2D में हम एट अ टाइम एक व्यू देखते हैं, बट 3D में हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा है वो हमारे समझ में आता है। चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो मैं दो व्यू पोर्ट बना लेता हूँ पहले, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए 2D और 3D का डिफरेंस, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मैं 2D लगा रखा हूँ और एक मैं आइसोमेट्रिक लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बनाया रेक्टेंगल। ठीक है, तो अभी ये 2D में है, क्यों? क्योंकि अभी दो डायमेंशन है ना, एल और बी है। 2D में कोई भी दो एक्सिस हो सकती है, हम एक्स वाई पे काम कर सकते हैं, वाई जेड पे काम कर सकते हैं या जेड एक्स पे काम कर सकते हैं। ये हमारी नीड के हिसाब से है कि हम फ्रंट व्यू पे काम कर रहे हैं, टॉप व्यू पे काम कर रहे हैं या साइड व्यू पे काम कर रहे हैं। तो पहले जो दिमाग में आपके डाउट है कि 2D में हम केवल एक्स वाई पे काम करते हैं, तो वो निकाल दीजिए, क्योंकि कोई भी दो एक्सिस हो सकती है। तो हम एक्स वाई पे काम कर रहे होंगे या एक्स जेड पे काम कर रहे होंगे, मतलब कोई भी दो एक्सिस हो सकती है। डिपेंड करता है कि हम किस व्यू पे हैं, टॉप पे हैं। अभी देखिए एक्स वाई लगा हुआ है, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। अगर मैं फ्रंट पे मुझे बनाना है तो मैंने फ्रंट पे लगाया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो भी एक्सिस है वो हमारी चेंज हो सकती है। ठीक है, हम जिस व्यू पे काम कर रहे होंगे उस व्यू पे वो एक्सिस वर्क करेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये 2D है। अब यहाँ पे मैं इसको एक तीसरी डायमेंशन देने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए इसमें L और B दिया हुआ, लंबाई और चौड़ाई है। अब मैं इसको हाइट देने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड होता है एक्सट्रूड, इसकी शॉर्ट की होती है XT। मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सट्रूड कमांड क्या होता है। सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया और मैंने एक हाइट दे दी। देखिए अब ये 3D में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है हमें समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी है ना। ये देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा है, मतलब ये हमारा 3D है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी समझ में आ रही है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। ये देखिए, ठीक है, ये हमारे समझ में आ रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है। देख रहे हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट भी क्लैरिटी समझ में आ रही है ऑब्जेक्ट कैसा है। लेकिन अगर मैं इसको 2D में देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 2D में, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ 2D पे देख रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम केवल एक व्यू में हैं। अब मैं इसका, अभी ये टॉप व्यू है, मैं इसका फ्रंट व्यू देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये इसका फ्रंट व्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग व्यू देखते हैं, एक टाइम पे एक व्यू देखते हैं। तो ये है 2D और 3D का मेन डिफरेंस कि 3D में हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा है वो हमें समझ में आता है, क्लैरिटी होती है, बट 2D में हमें बहुत ज़्यादा विजुलाइज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि हमारा फ्रंट व्यू ये है, टॉप व्यू ये है और साइड व्यू ये है, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा। ये हमें थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, हमें विजुलाइज करना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा। बट 3D में ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा हमें समझ में आता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3D है और ये 2D व्यू है इसका। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम ये समझ गए हैं। अब मैं इसको एक हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखिए, अभी यहाँ पे हमारा 2D ड्राफ्टिंग लगा हुआ है जो मैंने आपको पहले समझाया था वर्क स्पेस स्विचिंग में। ठीक है, हम इसको चेंज कैसे करते हैं? दो ऑप्शन हमारे पास है, एक तो हमारे पास यहाँ सामने दिखाई पड़ रहा है, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और वर्क स्पेस पर टिक कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए मैं अभी हटा देता हूँ उसको, तो देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है।
ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा इस पर जाके क्लिक करके वर्क स्पेस करता हूँ तो यहाँ पे शो करने लगेगा। फिर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास 3D मॉडलिंग और 3D बेसिक्स दो आएंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं अभी समझाता हूँ आपको। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम यहाँ से जा सकते हैं, वर्क स्पेस स्विचिंग यहाँ पर भी है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं 3D बेसिक्स की। देखिए मैंने 3D बेसिक्स लगाया, अब मेरे पास यहाँ पर 3D के टूल्स सामने आ गए। तो 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग में डिफरेंस खाली ये है कि 3D बेसिक्स में थोड़ा सा कम टूल्स हमारे सामने आते हैं। देखिए अभी आपके सामने ये टूल्स आ रहे हैं, बाकी मिनिमाइज हैं, इसको मैं क्लिक करूंगा तो सारे आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3D मॉडलिंग लगाता हूँ तो मेरे पास टूल्स थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी टूल्स आ जाते हैं। तो सिर्फ हमारे सामने कौन से टूल्स आ रहे हैं इसका ही डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि 3D बेसिक्स में आपको वो टूल्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, बट आपके सामने जो आ रहे हैं केवल जो यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है कि हमारे सामने कौन से टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों में कोई भी लगा सकते हैं जैसी आपकी नीड हो, ठीक है। तो ये तो हम 3D मॉडलिंग कैसे लगाएंगे ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम या तो वर्क स्पेस स्विचिंग में यहाँ पे जाके 3D मॉडलिंग लगा लेते हैं और या फिर यहाँ पे जाके हम वर्क स्पेस में जाके 3D मॉडलिंग या 3D बेसिक्स लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने 3D के टूल्स आ रहे हैं। ये सॉलिड मॉडलिंग है जिसमें आपके सारे टूल्स हैं, बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, मैं सब बना के दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व, स्वीट, ये सारे टूल्स हैं, ये आपके 3D के टूल्स हैं। साथ ही साथ इसमें 2D के टूल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं क्योंकि हमें 2D की जरूरत पड़ती है, हम 2D बना के 3D में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जितने मॉडिफाइड टूल्स हैं, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा 2D का मूव है, ये हमारा 3D का मूव है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास सारे टूल्स हमारे सामने आ गए हैं, ठीक है। इन सब पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले के वीडियोज़ में, तो अब मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, अब मैं सीधे कमांड लेके आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें 3D पे काम करना है तो हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू लगा लेते हैं, क्योंकि अगर हम कोई टॉप, फ्रंट या राइट लगाएंगे तो वो 2D पे ही दिखाएगा और 3D में अपडेट क्लैरिटी नहीं आएगी। तो हम पहले इसको आइसोमेट्रिक व्यू में यहाँ से लगा लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे 2D वायर फ्रेम लगा है। अब मैं आपको यही बताऊँगा 2D वायर फ्रेम और शेडेड और इसमें क्या डिफरेंस है, बाकी हम धीरे धीरे हर ट्यूटोरियल्स में आपको एक एक चीज़ समझाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी बॉक्स लिया है, अब मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। अभी देखिए 2D वायर फ्रेम में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके शेडेड कर दूंगा या रियलिस्टिक कर दूंगा तो देखिए ऑब्जेक्ट पूरा सॉलिड मॉडल हमको दिखने लगेगा जैसा हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो 2D वायर फ्रेम में हमारे पास वायर फ्रेम्स दिखाई पड़ते हैं, हमें जो भी एजेस हैं वो सारे दिखाई पड़ते हैं वायर फ्रेम में, और 3D में हमें पूरा उसका रियलिस्टिक या हम और भी जो हमारे पास है यहाँ पे कंसेप्चुअल है, रियलिस्टिक है, हिडन है, शेडेड है, इसमें आपको उसका एक्चुअल वो दिख कैसा आ रहा है ये समझ में आएगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे इस पर भी बात करूंगा जब आगे वीडियोस पे मैं आऊंगा, तो ये सारी डिस्कस करूंगा एक एक करके कि इन सब में डिफरेंस क्या है, ये सब मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको कि बॉक्स कैसे बनाते हैं 3D में, डायरेक्ट 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉक्स की। बॉक्स बनाने के लिए हमने बॉक्स पे क्लिक किया। बॉक्स मतलब हम क्यूब या क्यूबाइड बना सकते हैं, ठीक है। तो हमसे पहले पूछा था बेस पॉइंट, हमने उसको स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब देखिए अभी तो मैं एक ऐसे ही क्लिक कर दे रहा हूँ, बाकी अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू देना है तो देखिए यहाँ पे अभी डायनेमिक इनपुट ऑन है, तो मेरे जहाँ पे मैं कर्जर मूव कर रहा हूँ वहीं पे दो बॉक्स छोटे बन के आ रहे हैं और मैं वहीं पे इसकी वैल्यू इनपुट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 250 देना है, फिर मैं टैप करूँगा तो दूसरी डायमेंशन आ जाएगी, इसको मुझे 300 कर देना है और मैंने एंटर कर दिया, ठीक। अब मुझसे पूछ रहा है हाइट, देख रहे हैं, अब मैंने इसको हाइट दे दिया फॉर एग्जाम्पल 50 और ये देखिए हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट दिया मैंने, अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है क्यूब या लेंथ। क्यूब का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा कि LBS तीनों सेम होती है। अगर मैंने क्यूब कर दिया, ठीक, तो मुझे केवल एक बार हाइट देनी है, मैंने 100 दे दिया और वो ऑटोमेटिकली 100L, 100B और 100H लेके वो एक क्यूब बना देगा। फिर से देखते हैं, अब यहाँ पे मैं लेंथ लेता हूँ। अगर मैंने लेंथ पे क्लिक कर दिया या L एंटर कर दिया तो आप मुझसे वो एक चीज़ पूछेगा, ठीक है। मैंने इसको एक मिनट मैं इसको ऑन कर देता हूँ अर्थो मोड। अब देखिए पहले मुझसे L पूछ रहा है, मैंने इसको L दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 300 देना है, एंटर किया। अब मुझसे इसकी विड्थ पूछ रहा है, मैंने इसकी विड्थ दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मुझे देना है 200। अब मुझसे इसकी हाइट पूछ रहा है, मैंने इसको हाइट दे दिया 200, ठीक है। तो इस तरीके से हम बॉक्स बना सकते हैं। आपको बॉक्स समझ में आ गया हो किस तरह से बनाते हैं, फिर से बताऊँगा आपको एक बार।
मैंने बॉक्स लिया। अगर डायनेमिक इनपुट आपका यहाँ पे ऑन नहीं है तो आप टॉगल बार, ये स्टेटस बार है, यहाँ पे आप डायनेमिक इनपुट जाके ऑन कर सकते हैं, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है आपको। और यहाँ पे सिंपल मैं वैल्यू पुट करूँगा 100, टैब प्रेस किया 200, एंटर किया, और अब मैंने इसकी हाइट दे दी जितनी भी हाइट मुझे देनी है और ये बन गया। ठीक है, तो ये बॉक्स बनाने का तरीका हमारे सामने आ गया है, आप देख चुके हैं कि किस तरीके से आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर मुझे टू पॉइंट देना, मुझे हाइट ना देकर टू पॉइंट देना है कोई भी, तो देखिए यहाँ पे टू पॉइंट आ रहा है। ठीक है, मैं 2p एंटर कर दूंगा या वहाँ पे क्लिक कर दूंगा और फिर मुझसे दो पॉइंट पूछेगा, तो मैंने पहला पॉइंट ये दे दिया, दूसरा पॉइंट ये दे दिया, तो वो सेम उसी हाइट का एक जो भी हम क्यूब या क्यूबॉइड बना रहे हैं, जो भी बॉक्स बना रहे हैं, वो उसी हाइट का बना देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी हाइट नहीं पता है और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये इसी हाइट का बने, तो मैं सिंपल टू पॉइंट लेके सेम वही हाइट दे सकता हूँ। ठीक है, तो बॉक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की, तो सिलेंडर कैसे बनाते हैं ये भी देख लेते हैं हम। सिलेंडर पे हमने क्लिक किया। ठीक है, अब सिलेंडर का बेस हमारा कैसा है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि 3 पॉइंट, क्योंकि हमें सर्किल देना है, तो 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, TTR, ये सब मैं सर्किल में आपको बता चुका हूँ, आप इसको भी यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने एक ले लिया और रेडियस दे देता हूँ मैं इसको, मैंने रेडियस दे दिया कोई, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया 50। ठीक है, अगर आपको डायमीटर इनपुट करना है तो आप डी लिख के एंटर कर देंगे और डायमीटर आपसे पूछेगा, ये दिया, और अब वो मुझसे हाइट पूछ रहा है। देखिए मैंने हाइट दे दिया फॉर एग्जाम्पल 300 और ये सिलेंडर बन गया। ठीक है, अब जो मैंने बेस में सर्किल दिया था वो आप 3 पॉइंट, 2 पॉइंट या TTR करके भी दे सकते हैं। अब सिलेंडर में एक नई चीज़ देखिए आप, यहाँ पे एक इलिप्टिकल है, मतलब अगर हम बेस सर्किल ना देके कोई इलिप्टिकल शेप देना चाह रहे हैं तो हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए हमने इलिप्टिकल पे क्लिक किया, पहला पॉइंट दिया एक्सिस का, सेकंड पॉइंट दिया, ठीक, उसके बाद ये हमने दे दिया, तो हमारा देखिए जो बेस हो गया वो इलिप्टिकल शेप का बन गया। और अब मैं हाइट दे दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 देना है। देखिए जो सिलेंडर बना है इसका बेस जो है वो इलिप्टिकल है। ठीक है, तो ये आपको अच्छा लगा होगा देख के कि हम सिलेंडर को इलिप्टिकल शेप से भी बना सकते हैं, अगर हमारा बेस जो है वो इलिप्टिकल शेप का है तो वो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के अलावा हम बात करते हैं कोन की, तो कोन में भी हम बेस वैसे ही बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया है अभी, सेम वही तरीका है, 3 पॉइंट लेना है तो मैंने कोई 3 पॉइंट ले लिया, 1, 2 एंड 3rd पॉइंट, मैं इसको क्लिक कर दे रहा हूँ, ये बन गया, और मैं इसको हाइट दे दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें वही बात है कि अगर मुझे एंड पॉइंट देना है या टॉप रेडियस देनी है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ऊपर पॉइंटेड ना हो, ऊपर कोई रेडियस से मिले, तो मैं यहाँ पे टॉप रेडियस कर देता हूँ और मैं कोई टॉप रेडियस दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दे दिया 25, एंटर। ठीक है, अब देखिए मैं हाइट दूंगा, मैंने दे दिया 100, तो ये इस तरह का बन गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं फिर से, ये मैंने कोई साइज दे दिया। ठीक है, इस बार मैं टॉप रेडियस नहीं दे रहा हूँ और मैं हाइट दे दे रहा हूँ 200, तो देखिए ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल पॉइंटेड बना है ना, जैसे हमारा कोन होता है। और ऐसे ही हम, अगर हमें बेस इलिप्टिकल देना है तो हम यहाँ पे इलिप्टिकल पे क्लिक कर देंगे। ठीक, एंटर, हमने एक इलिप्स बना लिया और उसको एक हाइट दे दी, जो भी हाइट देना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक इस शेप का हमारे पास कोन बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्फीयर, स्फीयर सभी को पता होगा, गोला, क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसको हम रेडियस, डायमीटर जो भी हमें देना है, बाई डिफ़ॉल्ट रेडियस मांग रहा है, हम रेडियस इनपुट कर देते हैं। अगर हमें डायमीटर इनपुट करना है तो हम डी लिख के एंटर कर देंगे और डायमीटर इनपुट कर देंगे और उतने डायमीटर का एक स्फीयर बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिरामिड का, तो पिरामिड आपको पता होगा। ठीक है, मैं शेप बना दे रहा हूँ, पहले सेंटर पॉइंट में बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है मुझसे इनस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब, तो पहले मैं रेडियस दे दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल रेडियस मुझको देना है 30। ठीक है, अगर मुझे इनस्क्राइब नहीं करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, सर्कमस्क्राइब पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, देखिए सर्कमस्क्राइब आ गया, जो भी मुझे करना है, अगर मुझे आई करना है, इनस्क्राइब करना, तो मैं आई लिख के एंटर कर दूंगा, वो इनस्क्राइब हो जाएगा। सॉरी, अभी रेडियस मांग रहा है तो रेडियस मैंने दे दिया कितना 30, एंटर कर दिया मैंने, और अब मैं इसको एक हाइट दे देता हूँ। सेम वही है, अगर मुझे एक्सिस एंड पॉइंट देना है या फिर 2 पॉइंट देना है या टॉप रेडियस देना है, तो मैं टॉप रेडियस भी यहाँ पे दे सकता हूँ, जैसे मैंने पहले दिया था। टॉप रेडियस अगर मुझे देना है कुछ और, फॉर एग्जांपल मुझे देना है 30, मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, और देखिए ये पिरामिड मेरा उसी शेप में बन जाएगा, मैं इसको हाइट देता हूँ 500, ये देखिए बन गया।
अब अगर पिरामिड में मैं बेस की साइड्स चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, अभी देखें बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे एज साइड्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, या मैं एस लिख के एंटर कर देता हूँ, तो देखिए मुझसे पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ साइड। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 लगा हुआ है, मुझे 6 करना है तो मैं 6 लिख के एंटर कर दूंगा। तो अब देखिए जो हमारा बेस बनेगा वो, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पे एक मिनट इसको वायर फ्रेम बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेस में क्या आप समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, पिरामिड लिया मैंने, ठीक है, और अब देखिए अब साइड कितनी बन गई, 6 आ रही, देख रहे हैं आपके सामने 6 साइड आ रही है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो फिर से मैं एस लिख के एंटर करता हूँ, जो कि मैं कर चुका हूँ इसलिए वो शायद नहीं लेगा। ठीक है, दोबारा मैं ले लेता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। अब मैं इसको बेस रेडियस दे देता हूँ, मैंने दे दिया इसको 25, एंटर, और हाइट दे देता हूँ मैं, जो भी हाइट देनी मुझे, फॉर एग्जाम्पल मुझे देना है 50, एंटर कर दिया। ये देखिए एक हमारा पिरामिड तैयार हो गया जिसकी बेस 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 है। अब देखिए मैं इसकी साइड 6 करूँगा, तो मैंने एस लिख के एंटर किया, साइड कर दिया 6, एंटर, और मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, ठीक, और मैं इसकी रेडियस दे रहा हूँ 100, एंटर, हाइट कर दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 100, एंटर। अब देखिए अब यहाँ पे जो इसका बेस बना है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 साइड्स आपको दिख रही होंगी, है ना, यहाँ पे 5 साइड थी। तो हम इस तरीके से पिरामिड का बेस का जो हमारे नंबर ऑफ साइड्स है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेज, ठीक है, वेज बना लेते हैं। देखिए हमने पहले बेस बना दिया, अब ये जैसे रेक्टेंगल हम बनाते हैं वैसे ही आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें क्यूब बनाना तो हम क्यूब दे सकते हैं, यहाँ पे क्यूब पे क्लिक कर देंगे, लेंथ देना तो हम लेंथ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब मुझसे पहले लेंथ मांग रहा है तो मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल 50 दे दिया, एंटर। अब मुझसे विड्थ पूछ रहा है, मैंने दे दिया इसको 40, एंटर, ठीक, और अब मुझसे हाइट पूछ रहा है तो मैंने हाइट दे दिया इसको, मान लीजिए दे दिया 80, एंटर। ठीक है, अब मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्चुअल कर दूँ, ताकि आपको समझ में आए ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है। ठीक है, ये देखिए फिर से बनाता हूँ, फिर से देखिए मैंने लिया वेज, ठीक है, ये मैंने दे दिया बेस, ये मैं बेस बना दे रहा हूँ, और अब देखिए मैं इसको हाइट दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, ये देखिए ये है वेज, इसको मैं थोड़ा घुमा के दिखाता हूँ आपको, ऑर्बिट करके। ऑर्बिट करना है तो आप शिफ्ट के साथ जो आपके माउस में बीच में रोलर लगा हुआ है, ठीक है, स्क्रॉल, उसको आप घुमाएंगे तो ये मूव करेगा। ठीक है, मिडिल बटन को प्रेस कर लेंगे और माउस को मूव कराएंगे तो देखिए ये ऐसे मूव होगा, या हम यहाँ पे ऑर्बिट पे जाके भी फ्री ऑर्बिट इसको करा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाएगा। तो ये वेज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टोरस। टोरस क्या होता है, आपने ट्यूब देखी होगी, या जो ट्यूब होती है समझ लीजिए वो टोरस ही है। ठीक है, तो इसमें पहले हमें टॉप रेडियस सेंटर पॉइंट दे दिया हमने, स्पेसिफाई रेडियस हमने दे दिया 50, एंटर। अब हमसे पूछा ट्यूब रेडियस, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया 10, एंटर, ये देखिए, ठीक है, ट्यूब बन गई। अब आपको साइकिल की ट्यूब बनानी है, मोटरसाइकिल की ट्यूब बनानी है, ट्रक की ट्यूब बनानी है, आप रेडियस साइज देते जाइए और वो हिसाब से बनती जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो आज हमने बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, पिरामिड, वेज और टोरस ये सारी चीज़ कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक्सट्रूड पे बात करेंगे और इस तरह धीरे धीरे हम मॉडलिंग के सारे टूल्स पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए। अगर आपको कोई डाउट है या आप कोई वीडियो और चाह रहे हैं या पिछले वीडियोस में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी उसको बना के पोस्ट करूँगा ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।